नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। कमाल है हरी, यहाँ मुझे एक लड़की नहीं संभल रही है और तू साला चार चार घुमा रहा है। चार मतलब मैंने तुझे डॉली और पूजा के बारे में नहीं बताया। डॉली और पूजा जुड़वा बहन है, सिस्टर्स। अगर तू इतनी मेहनत किसी काम के लिए करता है। हाँ, काम से आता है, एक 50 करोड़ देना, वो बायोडेटा टाइप करवाना है। तेरे डॉली और पूजा के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ए, पैशन एंड प्रोफेशन आई नेवर मिक्स। हाँ हाँ, दोनों अलग चीज है यार, और प्यार तो हरगिज नहीं। क्यों, प्यार करने में खराबी है? बहुत लफड़े का काम है भाई। हाय राहुल, नाना मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मुबारक हो भाभी जी। राहुल से नहीं, किसी और से। क्या? किसी और से? किससे? है कोई साला, नाना कहते महीने का 20-25 हजार कमाता है। तो तुमने क्या कहा? इसने कहा कि तुम भी महीने के 20-25 हजार कमा लेते हो। शट अप हैरी। ओके, उसे क्यों डांट रहे हो? तो और क्या करूं? जाकर नाना से बात करो। लेकिन अंजलि, मैं तुम्हारे पापा से क्या कहूंगा? आज के मौसम का हाल पूछना, अबे शादी की बात करो और क्या। एक मिनट यार, अंजलि तुम तो मेरी हालत जानती हो ना, महीने का भाड़ा नहीं दे पा रहा हूँ, क्या कहूंगा मैं तुम्हारे पापा। लेकिन राहुल तुम मेरी हालत नहीं जानते, और वैसे भी एक ना एक दिन तो नाना से बात करनी ही पड़ेगी ना। क्या हूँ, किराया देना अच्छा नहीं लगता? शर्मा रहे हो क्या? नहीं, अब मुझे आपसे कुछ बात करनी। पहले किराया, उसके बाद जो बोलो दिन भर सुनूंगा। मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। इसमें नहीं समझने की क्या बात है? पहले तुझे किराए देना पड़ती थी, अब तो घर जमे फ्री। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, शादी के बाद मैं कोई दूसरा घर ढूंढ लोगे। जी, अगर मेरे जैसा कोई बकरा मिला तो टोपी डाल देंगे। नहीं, वहां टाइम पे दे दूंगा। टाइम पे देंगे? अच्छा, वहां टाइम पे देंगे, फिर तो खाना पीना कपड़ा घूमना फिरना, इसको तो बहुत पैसे चाहिए ना। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, आप शादी करके नौकरी ढूंढेंगे या नौकरी करके शादी? और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। अच्छी नौकरी? इसके बारे में तो मैं 1 साल से सुन रहा हूं। राहुल बेटे, नेक्स्ट मंथ मैं अंजलि का शादी फिक्स किया। लड़का का पास अच्छा नौकरी है, अपना घर है। मैं तुम्हारा फीलिंग समझ सकता हूँ, तुम भी मेरा फीलिंग समझो। प्यार से पेट नहीं भरता, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, कैश। और एक महीने का टाइम है, नौकरी मिला शादी से नो ऑब्जेक्शन। ओके ओके। ए, तेरे पास कोई आइडिया तो देना। आइडिया तो है, लेकिन इसके बस का नहीं है। तो मुझे बता। सोच लो। ये नाटक छोड़ और सीधे सीधे बोल। तो सुनो, तुम इसे लेकर भाग जाओ। क्या बोलता है? कहीं इसके साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी तो खराब नहीं हो गया? भाग जाओ ऐसी जगह जहां सिर्फ मैं, ये और हमारा प्यार। ना, तुम्हारे पापा ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, प्यार से पेट नहीं भरता। प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हरिलाल, भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए और दिमाग सोचने के लिए, प्लीज बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। अंजलि, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? बिलीव मी, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, और वैसे भी तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना तो तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। अंजलि, अंजलि सुनो, अंजलि अंजलि, ये कुछ भी कर सकती है। पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये प्रकाश तुझे तंग तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं पापा, वो बात नहीं है। दरअसल प्रकाश आपके साथ काम करके खुश नहीं है पापा। वो कहीं और काम करना चाहता है? नहीं पापा, वो खुद इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहता है। इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं भी तो अपने बलबूते पे आगे बढ़ा ना। आई एम अ सेल्फ मेड मैन। हाँ पापा, लेकिन प्रकाश को आपकी जरूरत है। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। जी पापा, लेकिन पापा प्रकाश का प्रोजेक्ट का आइडिया बहुत अच्छा है। पापा, मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में आप उसकी हेल्प करें फाइनेंशियली। ओह,
इसका मतलब है वो मेरे पैसों से अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहा है। हाँ पापा, देखना पापा, एक दिन प्रकाश बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा और आपको भी उस पर बहुत फक्र होगा। लेकिन पापा, उसको आपके पैसों की जरूरत है, प्लीज पापा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, अगर प्रकाश के पास कोई अच्छा आइडिया हो ना तो मैं क्यों नहीं मदद करूंगा। हाँ? देखो, जैसे वो प्रोजेक्ट का फाइल रेडी होता है तुम मुझसे कहो, मुझसे आके मिल। मिलाई पापा से? हाँ। क्या कहा? कुछ नहीं, मतलब इधर उधर की बातें की हमने। इधर उधर की बातें की? मुझे पता था पापा मेरे प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। वो तो है, पर अगर मैं बात करूं तो शायद 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 पापा मान जाए। बुद्धू, पापा मान गए। हाँ? हाँ, पापा मान गए, अब मुझे क्या दोगे? भाई गलती हो गई मेरे से। नहीं भाई, मेरे से। अरे नहीं, गलती अपुन से हुई है। तेरे को प्यार से बोला, तू समझा नहीं, सर पे चढ़ा, उतारना तो पड़ेगा है ना। हुँ? क्या ए हीरो? असलम भाई, आप यहाँ? मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। आई को राहुल ने आपको वो पेपर नहीं दिया? कौन सा? अरे आज का आर्ट। क्या है उसमें? एडवर्टाइजमेंट। बोले तो सुभाष घाई अपनी नई फिल्म स्टार्ट कर रहा है। तो सुभाष घाई अपनी नई फिल्म के लिए नए हीरो को ढूंढ रहा है, तो मैंने सोचा आप क्यों नहीं ट्राई कर लेते। अरे यार, वो अपने को कहाँ हीरो लेगा यार। जैकी श्रॉफ भी यही बोलता था, सुभाष घाई ने उसको देखा और हीरो फिल्म का हीरो बना दिया। आज देखो कहाँ है। मैं पेपर लेकर आता हूँ। तेरे को क्या लगता, सुभाष मेरे को चैनल देगा? ऑफ कोर्स भाई, 100%। तू मेरे को पैसा कभी देगा? कल, 100%। सुभाष का ऑफिस किधर है? बेंड्रा। कितना परसेंट? बस क्या भाई, 100%। क्या? मैं आई कम इन सर। डैड, ये मेरे प्रोजेक्ट की फाइल है। आई न्यू इट कि आपको मेरा आइडिया पसंद आएगा। डैड, ये वेबसाइट आती है मार्केट में हंगामा हो जाएगा। अरे आप सोच भी नहीं सकते, ये कंपनी के लिए कितना अच्छा होगा सर। है ना कमाल का आइडिया? बकवास ही है, अटर नॉनसेंस। पहले मेरी बेटी को फंसाया, अब मुझे फंसाना चाहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी इंटेंशन? तुम्हारी इंटेंशंस मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन सपना नहीं जानती है। दो कौड़ी का आदमी, कुत्ता चाहे बंगले में रहे या गली में, दूध पिए या नाले का पानी, उसकी दुम सीधी नहीं होती, क्योंकि बेसिकली वो कुत्ता है। सर मैं यहाँ चुप बैठा हूँ, इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि तुम बोलने के लायक नहीं हो। जहाँ हो चुपचाप वहीं पड़े रहो। Now get lost. और सुनो, अगर तुमने मेरी बेटी से कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे घर जमाई हो, और उसी गंदी जगह भेज दूंगा जहां से तुम आए हो। Now get out. दो हफ्ते? लेकिन मुझे कल से ज्वाइन करना है। देखिए आप ऐसे की चिंता मत कीजिए, आपको सारे पैसे एडवांस में मिल जाएंगे। बस 10 दिन में मुझे ब्लैक बेल्ट मिल जाएगा ना? ओके, थैंक यू। Yes, प्रकाश, you know what? मैं कल से कराटे क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ। Isn't it exciting? Oh, by the way, तुम्हारी मीटिंग कैसी हुई? Great. डैडी को आइडिया बहुत अच्छा लगा। प्रोजेक्ट जल्दी शुरू करने की बात कर रहे थे। Yay! I knew it. तुमने मेहनत भी तो कितनी की थी। I'm so proud of you, प्रकाश. Isn't it great?
राजीव चोपड़ा, ऐसे तो मैं तुमसे निकाल के ही रहूंगा, या तो ऐसे या तो वैसे, लेकिन कैसे? डिपार्टमेंट इन था। हेलो हेलो, ये क्या है? भाई आया है। भाई? अरे मेरा भाई तो मर के 5 साल हो गया। ये चश्मेश, असलम भाई आया है। चल गणपति का चंदा निकाल। असलम भाई और गणपति का चंदा? हाँ, चंदे में और धंधे में असलम भाई के लिए सब धर्म समान है क्या? हाँ। लेकिन असलम भाई, मेरा भाई मर जाके 5 साल हो गया, जब से मैं गणेश नहीं मना रहा हूँ। तेरा भाई मरेगा तो भगवान को छोड़ देगा? अबे इंसान भगवान को छोड़ता है, लेकिन भगवान इंसान को छोड़ता नहीं, और असलम भाई कभी नहीं छोड़ता है। चंदा दे चल। लेकिन अरे भाई, ये अपना आदमी है। इसको बोल इज्जत से जरा चंदा दे दे। चंदा नहीं दिया भाई को? चल फोट ऐसे, फोट, चल फोट। अबे भाई 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 भाई, अरे सुभाष कहने क्या बोला? क्या बोलेगा, वो तो ऋतु को लेगा बेटा। यार सुभाष भाई ने बोला? वो क्या बोलेगा यार, उसका ऑफिस बॉय बोल रहा था। तो यश चोपड़ा से मिलो ना। अरे वो अपनों कहाँ लेगा यार, वहां तो शाहरुख बैठा है ना। है नहीं था, मोहब्बतें के बाद दोनों के बीच में नफरतें शुरू हो गई। बोले तो शाहरुख आउट, ऋतिक बिजी, खाली कौन? मैं भी वही बोल रहा हूँ। असलम भाई मेरे को तो आजकल पोस्टर भी दिख रहा है। अरे यार यश चोपड़ा पेश करते हैं, असलम भाई दुल्हनिया ले जाएंगे। इकोनॉमिक्स 89%, गुड। अकाउंट्स 74%, वेरी गुड। तुम्हें कंप्यूटर्स में कुछ एक्सपीरियंस है? यस सर, मैंने एप्टेक से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स भी किया है। तुम्हें पता है, तुमसे पहले जो आदमी यहाँ आया था वो तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड था, बस नहीं था उसमें तो तुम जैसा हौसला, इंथुजियाज्म। थैंक यू सर। हमारी कंपनी को तुम जैसों की ही जरूरत है। वेल यंग मैन, यू आर सेलेक्टेड। थैंक यू सर। बस शाम को करीब 6 बजे मुझे आके मेरे घर पे मिलना, ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। ठीक है, जाइए आप अंदर। एक मिनट साहब, नौकरी मिल गई? हाँ। शाम को फोन करने को बोला होगा? हाँ। 2 लाख रुपए तैयार रखना। किस लिए? वो क्या है ना कि आपके जैसे 25 आदमी लोग यहाँ पर आते हैं, सबको मिलता है विजिटिंग कार्ड, लेकिन नौकरी किसको मिलती है? नेक्स्ट। 2 लाख? तेरा मतलब रिश्वत? हाँ रिश्वत। चलो नौकरी मिलने के लिए वो भी देने को तैयार हूँ, क्या करूं? लेकिन ये 2 लाख कहां से लाऊं? अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मूर्ति अंजलि की शादी कहीं और कर देगा। राहुल, अंजलि किसी और के साथ शादी नहीं करेगी। पता है, लेकिन तू मूर्ति को जानता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अंजलि मेरे बिना नहीं रह सकती हैरी, और मैं भी, मतलब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस ये 2 लाख मिल जाए ना तो सब प्रॉब्लम्स खत्म। क्या करूं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो टेंशन मत ले राहुल, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अरे क्या मिल जाएगी, टाइम इतना कम है कि बेवकूफी होगी अगर मैं सोचूं कि इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। हैरी, कैसे भी कुछ भी करके क्या 2 लाख नहीं मिल सकते? लेकिन हैरी, ऐसा काम करना गलत होगा ना? गलत और सही तो मुझे मत समझा। तू पिछले 1 साल से नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है ना, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और आज जब तुझे नौकरी मिल रही है ना, तो तुझे 2 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। क्यों दे रहा है? मत दे, रिश्वत देना भी तो गलत काम है ना। देख राहुल, कभी कभी सही काम के लिए भी कुछ गलत करना पड़ता है, और वैसे भी अपने को रोज रोज थोड़ी ना करना ये काम। एक बार अपना काम हो जाए ना तो बस बात खत्म। तेरा मतलब अपने को कुछ क्राइम करना पड़ेगा? हाँ, हमें कुछ उल्टा ही करना पड़ेगा। लेकिन हैरी, कोई ऐसा काम है जिससे किसी का नुकसान ना हो? है। हाँ? सुसाइड कर लेते, हमारे मरने से किसी को नुकसान नहीं होगा। अरे मैं कोई डकैती या मर्डर करने थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें कुछ ऐसा क्राइम करना चाहिए जिससे किसी का ज्यादा नुकसान ना हो, छोटा नुकसान हो।
ज्यादा छोटा, अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे मुझे भी मालूम है कि तू वही बोल रहा है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए होता जिसमें से हम लोगों ने 2 लाख रुपए ले लिए, कितना बचा? 98 लाख। करेक्ट। अब उसका तो सिर्फ 2 लाख रुपए गया, लेकिन उस 2 लाख रुपए से हम लोगों की जिंदगी बन सकती है। 5-स्टार होटल, बड़े बड़े लोग आते हैं, देर रात तक खाते हैं, पीते हैं, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। तो ऐसे लोग महंगी घड़ियां, अंगूठी, गोल्ड चेन, अरे कितना कुछ होता है उनके पास। उनमें से किसी एक को भी लूट लिया ना, तो अपना काम तो हो जाएगा। लेकिन लूटेंगे कहाँ? कार पार्किंग एरिया में, वहां कोई नहीं रहता, सिर्फ अंधेरा होता है। हम लोग वहां छुपकर बैठेंगे, जैसे ही कोई रईस दिखे उसे डरा धमका कर लूट लेंगे, बस ज्यादा कोई लफड़ा नहीं। और डराएंगे कैसे? अरे ये तो बिल्कुल असली लगता है, ऐसे भी तो असली चाहिए ना। हाँ कोई आ रहा है। ये इतना अमीर नहीं लग रहा था ना, ये अपनी साइज का लग है ना। हाँ हाँ। अरे यार खेलने की कोशिश मत करना। कौन हो तुम लोग? अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड बोले तो भाई, चल चल माल निकाल नीचे। अरे अरे कहाँ? मालिकल ये क्या है? 500 का नोट है, असली है। अपन लोग को अलीबाग से आया समझता है क्या? चल चल माल निकाल, ले तो खोपचे में लेके खर्चा पानी दे डालेगा क्या? देखिए और पैसे नहीं है मेरे पास। खालिद समझा रहे इसको कि अपन कौन लोग है? हाँ, बहुत डेंजर लोग हैं हम। किशन पटेल की बेटी को मैंने बोले तो अपन लोग ने किडनैप किया था, समझा? फ्रंट पेज पे आया था, फ्रंट पेज पे हेडलाइन। अब जल्दी से माल निकाले तो तेरा भी कल का फ्रंट पेज पे हेडलाइन आएगा क्या? चाहे तो आप मेरी तलाशी ले लीजिए। हवलदार दिखते हैं क्या? तेरे को मालूम नहीं क्या क्या करते हैं? बोलना। चोरी, चोरी, डकैती, मर्डर, सट्टा, फटका, किडनैपिंग और मैच फिक्सिंग भी क्या? सुना, ठीक से पॉकेट चेक कर, इधर क्या 5 स्टार में फुकड़ में पीने आया था क्या? चल दे अंगूठी, अंगूठी ले, जल्दी निकाल, जल्दी कर, चल 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 साले चेक कर साले को, सटकते अपन इधर से, चल जल्दी कर। एक्सक्यूज मी, ये सब बेचकर आपको क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 हजार। आप लोग भाई लोग हो ना? हाँ, तो मेरे पास एक प्लान है जिससे आप लाखों कमा सकते हो। इसमें तेरा क्या फायदा? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो अपने ससुर से क्यों नहीं मांगता? लेकिन आप लोगों का क्या प्रॉब्लम? सारा प्लान मैं बना कर दे रहा हूँ, पैसे भी मैं ही ले आऊंगा। वैसे आप लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हो ना? वो तो हम है ही, तभी तो इतने इंक्वायरीज कर रहे ले। अब और क्या जानना चाहते हैं आप लोग? देखिए, आप भी पैसे कमाएंगे और मैं भी। इट्स अ स्ट्रेट डील, ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटों का काम है। क्या बोलता है भाई? से पूछना पड़ेगा। लेकिन आप लोग भाई लोग ही हो ना? हाँ, बड़े भाई से पूछना पड़ेगा।